Hello guys, it's me Saring from Eagle Tech, and today I have brought you the installation of the MIUI 9.5.6.0 जो कि एक स्टेबल वर्जन है कहने को सिर्फ वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे पकड़े मुद्दा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MIUI 9.5 है जो वो ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है और वो भी स्टेबल वर्जन में, पर हमारे फोन्स को मिल नहीं रही है और हमारे फ़ोन अड़े हुए हैं हम सिर्फ जो MIUI का 2.7.0 वर्जन है उस पर। और आपको अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि इस बार Xiaomi ने अपडेट नहीं सस्पेंड किया बल्कि Redmi Note 5 Pro को ही सस्पेंड कर दिया इन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप MIUI ROM लिखेंगे जाके गूगल पे और डाउनलोड MIUI सेक्शन पे जाएंगे तो इस पे सारे डिवाइसेस लिस्टेड हैं जिनके आप सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जूम इन करके आपको हर एक डिवाइस को गौर से दिखाएंगे। Redmi Y1, Y1 Lite, Mi Mix 2, Redmi 5 और Redmi 5 Plus, Mi Mix 2S, Redmi S2, फिर आता है Xiaomi का Mi 6, Xiaomi का Mi A1, Mi Note 3 और बैक चले गया मैं एक मिनट। आप देख सकते हैं Mi A1, Mi Note 3, Mi 5A, Redmi Note 5, ये ही आप देख सकते हैं, ये अब से यही Redmi Note 5 Pro है दोस्तों, और मैं उसको आपको बाद में बताता हूँ क्यों। बाकी मैं आपको दोबारा से चेक करवा दूँ लिस्ट। ये है हमारा MI का 6X, Redmi Note 5A Prime, Mi Mix 2S, Mi Mix 2 सॉरी, Xiaomi का Mi 5X, और ये है हमारा Mi Note 2, Mi Note, Xiaomi का Mi 4S, Mi 5S Plus। तो सारे डिवाइसेज आप देख लीजिए एक बार, मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको, आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि Redmi Note 5 Pro कहाँ गया। आप देख सकते हैं कि नहीं है वो यहाँ पे। अब हम चलते हैं सीधा मुद्दे की ओर। अब मैं बताता हूँ Redmi Note 5 क्यों Redmi Note 5 Pro है। दोस्तों आप देख सकते हैं जब आप Redmi Note 5 खोलेंगे तो ये Redmi Note 5 लिखा हुआ है। इसमें कितने वेरिएंट्स हैं, तीन वेरिएंट्स हैं। एक है Redmi Note 5 ग्लोबल, एक है Redmi Note 5 चाइना और एक है Redmi Note 5 इंडिया। जो ये वाला Redmi Note 5 इंडिया लिखा हुआ है ये नोगेट पे बेस्ड है और ये असली Redmi Note 5 है जो सिंगल कैमरा वाला फ़ोन है। और अगर हम बात करें Redmi Note 5 Pro कहाँ गया, तो वो ये है दोस्तों, Redmi Note 5 ग्लोबल। वाह क्या बात है Xiaomi की, नाम ही बदल डाला, पता नहीं है क्या कर रहे हैं अभी। तो हो सकता है कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही हो या फिर कोई इनका दिमाग खराब हो गया या इन्होंने डेवलपर्स बहुत घटिया रख लिए, तो ये क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं कि MIUI 9.5.6 इस पे है तो हमें अपडेट क्यों नहीं मिला। दोस्तों शायद से ये ग्लोबल वर्जन है जो Redmi Note 5 Pro जिसे इंडिया में कहते हैं हम, इंडिया में इन्होंने अपडेट तो सस्पेंड कर दिया क्योंकि इसमें बग्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस रोम में कैमरा बग्स हैं, थोड़े परफॉर्मेंस इश्यूज भी हैं और थोड़े बहुत नॉर्मल बग्स भी हैं, तो ये स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके कि ये है हमारा स्टेबल वर्जन। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेबल रोम। वाह स्टेबल रोम, फुल रोम पैकेज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन 9.5.6.0 OEIMIFA और यही है कोड नेम हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं Redmi Note 5 Pro के। तो इन्होंने क्या किया, अभी के लिए नाम बदल दिया और मुझे वो रीज़न का मतलब बिल्कुल नहीं पता। तो आपको अगर अपडेट करना है, वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप 9.2.7 पे भी हैं ना तो टिके रहिए, मत लीजिए पंगा, क्योंकि थोड़े कैमरा प्रॉब्लम्स हैं और भी काफ़ी बग्स हैं। बट फिर भी अगर आपको करना है तो मैं नहीं रोक सकता आपको, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए ये मैं आपको बताता हूँ, आप ये डाउनलोड कीजिए पूरी रोम को। डाउनलोड होने लग गई, अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है ये फाइल। और मैं आपको एक बार आपकी श्योरिटी के लिए ना आपको मैं दिखा देता हूँ, लेट मी गो इन यूसी ब्राउज़र, कि ये फाइल की डिटेल्स क्या हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि भाई ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो Redmi Note 5 है ये, इसका जो ग्लोबल वर्जन है ना, आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro, ये वाला मैंने दिखाया था आपको, वर्जन 9.5.6.0 OEIMIFA, ये Redmi Note 5 ग्लोबल लिखा हुआ है, प्रो यहाँ पे नहीं है आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये स्टेबल वर्जन इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है स्टेबल रोम, ठीक है, पता नहीं क्यों करते हैं हम इसे डाउनलोड। अब ये हमने फाइल की डाउनलोड, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्फर्मेशन है इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड की हुई है। इन्होंने लिखा हुआ है कि MIUI HM Note 5 Pro ग्लोबल, यहाँ पे आके सारी बात चेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्मेशन का पूरा एक बारी वॉक्स आप पढ़ लीजिए दोबारा, इसमें लिखा हुआ है Redmi Note 5 Pro ग्लोबल वर्जन 9.5.0 OEIMIFA, यही वर्जन है दोस्तों ओरियो वाला जो अपडेट है 9.5.6 का। तो आप इसे करिए डाउनलोड। अब मैं बताता हूँ इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, वैसे तो मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ बट फिर भी आपके लिए मैं इसे दोबारा करके बताऊँगा। आप अपडेट्स चेक करेंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो नेम है डिवाइस का Redmi Note 5 Pro से पता नहीं कैसे Redmi Note 5 Pro ग्लोबल कर दिया, यार क्या हो रहा है ये। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ, चूज़ अपडेट पैकेज कीजिए, वो रोम डाउनलोड जरूर कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया मैंने। पहले आप जाइए Redmi Note 5 पे, फिर जाइए आप Redmi Note 5 ग्लोबल पे और कर लीजिए डाउनलोड, फिर आप जाइए फाइल्स पे। और मैं आपको रेकमेंड ये वाला सॉफ्टवेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9.5.6
11 भी एक अपडेट आया, वो 6 9.5.6 से ऊपर है। अब हम जाएंगे डाउनलोडेड रोम में मैंने रखा है, तो आप ऊपर वाला जो मैंने सिलेक्ट किया ना, आप देख सकते हैं ये वही है 9. वर्जन इसका 9.5.6.0। नीचे वाला जो है वो भी मेरे पास पड़ा है, बट मैं उसे इसलिए नहीं फ्लैश कर रहा क्योंकि इसमें बैटरी इशूज़ इतने और परफॉर्मेंस इशूज़ का तो आप पूछो ही मत। हाँ, इसमें कैमरा सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया है ये वाले वर्जन में, बट बैटरी और परफॉर्मेंस इतनी यार इन्होंने ख़राब कर दी कि फ़ोन ही नहीं चार्ज होता आपका। मतलब 1000 AMAH पे अड़ा रहता है और चार्ज बड़ी मुश्किल से होता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो इन्होंने अपडेट में पता नहीं क्या किया, डेवलपर्स की सारी इसमें गलती, और इस अपडेट को पहले इन्होंने दे दिया ऑफिशियली, फिर उसके बाद दोबारा से सस्पेंड कर दिया। तो ये सस्पेंड करने वाला बात छोड़ो, अब हम सीधे चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। मैं आपको बताऊं, अगर आपको फिर भी ओरियो का अपडेट इंस्टॉल करना है तो आप वर्जन 9.5.6.0 ही करिए अभी के लिए, 5.11 पे मत जाइए, 9.5.11 पे। तो इसको करिए सिलेक्ट, ओके दबाया, और ये नीचे गेटिंग इन्फो वाली लाइन फिर आपके बन जाएगी। जब ये इसे हम बोलते हैं कि चूज अपडेटर पैकेज वाला ये प्रोसेस होता है, तो आप इसके थ्रू आराम से ओरियो पे अपडेट कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जो आपको 1.5 GB की फाइल डाउनलोड करनी होगी उसके लिए, और एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए फाइल वेरीफाई करवाने के लिए जब आप इसको चूज अपडेटर पैकेज करेंगे तब। तो ये थोड़ा शायद से 2 या 3 मिनट ले लेता है, फिर उसके बाद सीधा आता है कि आप अगर अपडेट फ्लैश करना चाहते हैं तो अपडेट और रिबूट करके, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, गेटिंग इन्फो हो रहा है, आ गया जी, आप देख सकते हैं डिवाइस विल रीबूट ऑटोमेटिकली टू अपडेट MIUI वर्जन HM वायरेड। वायरेड का मतलब मैं आपको साफ साफ समझा दूँ, वायरेड जो डिवाइस का कोड नेम है ना, वो रेडमी नोट 5 प्रो का ही है। अब इन्होंने ये नाम बदल दिया इसका रेडमी नोट 5 ग्लोबल, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, बट ये रोम इसी डिवाइस की है, तो चिंता मत कीजिए, वायरेड इसी का कोड नेम है, आप चाहे जाके इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। तो अब आप इसको अगर करना चाहते हैं फ्लैश, तो रीबूट और अपडेट दबा दीजिए। अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी रोम पे हूँ, या फिर आप कह सकते हैं अपडेट पे, और वो मैं आपको करवा देता हूँ चेक। अबाउट डिवाइस पे जाके आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉइड वर्जन है ओरियो, और ये अगर हम बिस्किट को दबा के रखेंगे और हमारा ऐसे रहेगा वाला ऑक्टोपस आ जाता है, ये हमेशा हैंगी होता है, पता नहीं क्या करता है ये, इसकी गर्दन को ऊपर नीचे करके इसको खींच दो, हाँ ये कुछ नहीं है, और इसमें स्वाइप टू गो जेस्चर्स भी हैं आप देख सकते हैं, और अगर आप सीधा ऊपर कर देंगे तो बैक चले जाते हैं। तो और थोड़ा सा इसके अगर मैं बात करूं, तो इसके जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी चेंज किए हैं थोड़े बहुत, और क्विक रिप्लाई वगैरह भी आया है, और काफ़ी थोड़े चेंजेस और फीचर्स तो हैं, बट बग्स हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत कैमरा इशूज़ हैं। तो फिर भी अगर आपको ओरियो जल्दी जल्दी चाहिए तो आप इसी मेथड से अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सब्सक्राइबर्स की शॉर्टेज है, व्यूज मुझे फिर भी ठीक ठाक आ जाते हैं, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको आया पसंद तो लाइक और कमेंट कीजिए, और मत भूलिए सब्सक्राइब करना।